गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम शिक्षण विषयों में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र अर्थात जिसे इंग्लिश में पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस कहते हैं, उसकी प्रथम यूनिट में सामाजिक अध्ययन है क्या, उसकी अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषता तथा उसकी आधुनिक अवधारणा का अध्ययन करेंगे। मनुष्य समाज में निवास करता है और समाज में निवास करने के कारण ही उसे सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी गई है। अतः उसे समाज के नियम कानून इत्यादि का पालन करना आवश्यक है और यह सब उसे शिक्षा के माध्यम से ही इन नियमों कानूनों मर्यादाओं जो कि समाज के अंतर्गत निहित होती है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। 19वीं शताब्दी से ही शिक्षण के विभिन्न विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि इन विषयों का पृथक पृथक अपने विषयों के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। कई शिक्षाविदों का मानना है कि यदि विषयों को अलग अलग करके पढ़ाया जाए तो ज्ञान सार्थक होता है, परंतु जॉन डीवी ने इस संदर्भ में उनके इस मत का खंडन किया और ये कहा कि यदि विभिन्न विषयों को एकीकृत करके समन्वित रूप में सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए तो ज्ञान को ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विषय का जन्म हुआ जिसके अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन का तात्पर्य यह भी है कि इसमें समाज का समाज के लिए और समाज द्वारा अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में व्यक्ति उसके अन्य मनुष्यों के साथ वातावरण के साथ किस प्रकार के संबंध है इसका अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में कई प्रकार की संस्थाएं विद्यमान हैं जिसमें विवाह परंपरा, सामाजिक संस्थाएं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इत्यादि में हर मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ उसके वातावरण में किस प्रकार का अध्ययन है इसका अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु है। अब हम सामाजिक अध्ययन की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यूएसए परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन की परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन मानव समाज संगठन तथा विकास से संबंधित है। अर्थात इस परिषद द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार कि सामाजिक अध्ययन में मानव और उसका जो समाज है और उसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं का जो संगठन है, चाहे वो परिवार है, समुदाय है, सामाजिक इकाई है या अन्य कोई संस्था, और उसका किस प्रकार से हमारे कालांतर से लेकर अब तक विकास हुआ है उससे संबंधित सभी ज्ञान का अध्ययन इस सामाजिक अध्ययन में किया जाता है। इस प्रकार हम एक और डेफिनेशन ले सकते हैं जो जेरोलिक की डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य का उसके वातावरण से संबंधित विषयों का अध्ययन है। अर्थात एक मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के साथ उसके वातावरण में किस प्रकार से उसके सामाजिक संबंधों का विकास हुआ है जिसके द्वारा समाज का विकास भी संभव है, इन्हीं सभी तथ्यों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं में सबसे पहली है कि सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। अर्थात मनुष्य की वो समस्त गतिविधियाँ, वो समस्त संबंध, वो समस्त कार्य जो समाज के रूप में अन्य व्यक्तियों के साथ वह स्थापित करता है, उन सभी गतिविधियों क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों या अन्य कई व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध उसके सामाजिक वातावरण में निहित होता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है, इसमें विषय वस्तु तथा उद्देश्य पूर्णतः सामाजिक होते हैं। यह किसी व्यक्ति के हितों पर आधारित अध्ययन नहीं करता बल्कि सभी व्यक्तियों का आपस में किस प्रकार का संबंध है और उस
कि क्या विषय वस्तु होगी, उसके उद्देश्य किस प्रकार के होंगे, जो पूर्णतः सामाजिक होते हैं, बस केवल उन्हीं तथ्यों का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। इसकी चौथी विशेषता है सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। कालांतर से लेकर वर्तमान आधुनिक समय तक सामाजिक संस्थाओं ने किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका विकास और वो किस प्रकार के कार्य समाज के अंतर्गत करते हैं, इन सभी की समीक्षात्मक, सूक्ष्मतम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूझबूझ और तर्क के साथ आलोचनात्मक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि नगरीकरण की भावना का विकास। चूँकि यह सामाजिक भावना से ओतप्रोत है तो नागरिकीकरण की भावना का विकास इसके अंतर्गत इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं में सबसे पहली है कि सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, अर्थात मनुष्य की वो समस्त गतिविधियां, वो समस्त संबंध, वो समस्त कार्य जो समाज के रूप में अन्य व्यक्तियों के साथ वह स्थापित करता है, उन सभी गतिविधियों, क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों या अन्य कई व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध उसके सामाजिक वातावरण में निहित होता है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है, इसमें विषय वस्तु तथा उद्देश्य पूर्णतः सामाजिक होते हैं। यह किसी व्यक्ति के हितों पर आधारित अध्ययन नहीं करता, बल्कि सभी व्यक्तियों का आपस में किस प्रकार का संबंध है और उस कि क्या विषय वस्तु होगी, उसके उद्देश्य किस प्रकार के होंगे, जो पूर्णतः सामाजिक होते हैं, बस केवल उन्हीं तथ्यों का ही इसमें अध्ययन किया जाता है।